दिवस चार को देख
हार दी टेक्निक है ना, कारीगरी है। उन्हें बड़ी विधि नाल, बड़ी टेक्निक नाल इस मिट्टी तो एक खूबसूरत काया बना देती। पुत्री तेरी विद कर थाटे जान सत कर। सच्चाई तो यह है ना, होएगी माटी है मूल समाल अचेत गवारा। ये तेरा मूल है, ये तेरी असलियत है। बस जिस ते तू हमें कीती बैठा है कि मेरी दे मेरी काया बड़ी खूबसूरत है। हाँ, ये गल वक्री है। मालिक ने इस मिट्टी तो बनाई हुई इस खूबसूरत दे दी वैल्यू बनाने वास्ते, ताकि लोगों नू जे पता लग जाए कि को जारे को गाडले माटी, इसका अंत ए है, इसका मूल ए है, तो लोग इस काया नाल सांझ किवें रखणगे। इस दी वैल्यू बनाने वाले ने बड़ा खूबसूरत तरीका वरत्या कि इस मिट्टी दी पुतली विच अपनी जीवन सता काया हंस संजोग मेल मिलाया। इस काया दे विच हंस जीवन जुगत रख दित्ती, अपना जीवन जोत दा हिस्सा विच टिका दित्ता। बस उस करके इंदी वैल्यू बन गई। गुरु ने बाणी विच आखिया, जीव पाए तन साजिया रखिया बणत बनाए। ते बणत केड़ी खूबसूरत सी, अखी देखे जेबा बोले कन्नी सुरत समाए, पैरी चले हथी करना दिता पहने खाए। पर कहन लगे मैं देखदा की जिन रच रचया किसे ना जाने,
अंधा अंध कमाए। जिसने मिट्टी तो ए खूबसूरत काया बड़ी विधि टेक्निक नाल बना दिती, उसकी कारीगरी तो हैरान। मैनू हजे तक याद है अपने से अकेडमी में बड़े नजदीकी साझवाल हर वे हफ्ते आने वाले बाबा अजीत सिंह एक दिन बैठे सन सवेरे, ते बड़ी खूबसूरत गल उन्होंने आखी, कह लगे मैं ते हैरान हाँ जदों किसी नूं खून दी लहू दी ब्लड दी लोड़ पैंदी है डॉक्टरां नूं भी साइंसदानां नूं भी, तां ओह फिर उस नंबर दा ब्लड ढूंढदे फिरदे ने, बड़ियां औकड़ां आउंदियां ने। क्यों नहीं कोई इहो जी मशीन बना लैंदे जिहो जी मेरे रब ने मालिक ने बनाई है, एक आया एक मशीन, इहदे विच कणक पाई दी है, इहदे विच दाने पाई दे ने, अपने आप ही अंदर खून बन जांदा है। ते कोई इहो जी मशीन अजे तक किसी साइंसदान ने नहीं बनाई कि उहदे विच अनाज पा दिता जाए ते ब्लड बन के बाहर आ जाए। की जरूरत है लोगों कोलों तरले पाउण दी कि ब्लड डोनेट करो ताकि किसी का भला हो जाए। भला करन दा तरीका साइंस बड़ा खूबसूरत है, जे रब कोलों पुछ लैन मालिक कोलों पुछ लैन, ये तो उनकी टेक्निक है। एहो गल गुरु ने बाणी विच आखी, पुत्री तेरी विद कर थाटे। ओ विधि ओ तरीका ओहो ही जानदा है जिन्ने ये शरीर एक आया बनाई है, ते फिर इनकी वैल्यू बनाने वास्ते इनके विच अपनी जोत रख दिती है। पर मनुख उस बनाने वाले नूं नहीं पछाणदा जिन्हें रच रचिया किसे ना जाने अंधा अंध कमाए। मनुखी सपाया नू ही सब कुछ समझ बैठा, बनान वाले दी गल नहीं करदा। जीवन पारे इस काया नू ही पालदा संभालदा सजांदा रहिंदा। जीव आत्मा जो उस ज्योति दी जोत दा हिस्सा है उधर ध्यान ही नहीं दिंदा। सतगुरु ने बाणी विच आखिया, कहन लगे अनेक तरीकियां नाल इस काया नू पालदा है पर अंत समय फिर मुड़ के मिट्टी हो जाती। अनेक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली, जां भजे तां ठीकर होवे घाड़त घड़ी ना जाए। जिस मिट्टी दे भांडे नूं इह बड़ा पोच पोच के संभालता, संभाल के धो धो के सजा सजा के रखदा है। गुरु कहिंदे ने मैं वेखना की आ रखै पुचार माटी का भांडा, पर जदों ये मिट्टी का भांडा टुटदा है तो मुड़ के इस मिट्टी दे भांडे की मिट्टी भी कम नहीं आउंदी। कह लगे बाणी अंदर जां भज्जे तां ठीकर होवे घाड़त घड़ी ना जाए। गुरु ने मिट्टी दी इस देह काया नू चेतावनी दित्ती, चेतावनी दित्ती। अब कबीर जी का एक थावे एक लफज आउंदे च वी चेतावनी, कबीर गर्भ ना कीजिए देही देख सुरंग, आज काल तज जाहोगे ज्यों कांचरी भुयंग। जिवें सप कुंच छड़ जांदा है एवें अंदरों जीवन ज्योत इस शरीर नूं कुंज वांगू त्याग के तुर जाएगी। उदों इस कुंज दी की वैल्यू होगी, इस काया दी इस शरीर दी जिंदे ते अभिमान करना है, जिन्हों सजा सजा रखना है। देव सतगुरु ने रखे पचोर पोचार माटी का भांडा, उदों इस तेनू पता लगेगा कि इसकी अपनी वैल्यू की है। वैल्यू तो जोत दी है। गुरु ने बाणी अंदर बड़ी खूबसूरत गल आखी, कह लगे हे काया मैं तेनू तेरी वैल्यू दसना चाहना। वैल्यू तो जोत दी है, और जोत जिस दिन तेरे अंदरों चली गई तू रुल जावेगी। तेनू किसी ने संभाल संभाल अपने घर नहीं रखना। सतगुरु ने बाणी विच शब्द वाख्या काया नू मुखातम करके, सारा शब्द इसे गल ते है। कहन लगे हे काया उनके संग तू करती केर, जिन्ने तू सुख भोग रही है इस जोत दे अंदर हुंदिया तक ने, जिस दिन ये जोत चली गई तेरे कोल कोई खुशियां खेड़े नहीं रहने। उनके संग तू करती केल, उनके संग
हम तुम संग मेल जेडे हम तुम मेल रखते ने तेरे नाल तेनू गलबकड़ियां पाते ने उन्नी देर ही ने जिन्नी देर अंदर जोत है। कह लगे उनके संग तुम सब को लोरे उस बिना को मुख नहीं जोरे। जिस दिन वो जोत अंदरों चली गई तेरे नाल किसे नहीं जुड़ना ते कह लगे ते बैरागी कहां समाए दस ओ जोत कितों आई ते कितने चली गई है तिस बिन तू ही दुहेरी री उस जोत तो बिना तेरी की वैल्यू है तेरी परेशानी बढ़ जाएगी। सतगुरु ने बाणी में रखा उनके संग तू ग्रह में माहर उनके संग तू होई है जाहर उनके संग तू रखी पपोल जड़े तेरी खुशामद कर देने वो तेरी नहीं उस जोत करके तेरी खुशामद हो रही तेरे नाल प्यार हो रहे ने तेरे नाल रिश्ते गंढे जा रहे ने। जिस दिन वो जोत अंदरों चली गई फिर तू अपनी हालत देखी इस काया नु मुखातब कर देने ते कहंदे ने उनके संग तू रखी पपोल इस बिन उस बिना तू छुपकी रोल। जिस दिन वो जोत अंदरों चली गई तू रोल जावी उस बिना तू छुटकी रोल उनके संग तेरा मान महत जड़ा तेरा मान सम्मान सत्कार है ये भी उन्नी देर है जिन्नी दूर जो देर जोत अंदर है। बल्कि सतगुरु ने बाणी अंदर एक होर थामी भी आख्या कि जो मृतक को चंदन चढ़ावे उसने कौ कवने फल पावे जो मृतक को बिस्ता माहे रवाई तो मृतक का क्या घट जाई। जिस दिन जोत अंदर चली गई उस दिन ता तेरी कोई वैल्यू नहीं तेरी कोई कीमत नहीं तू मिट्टी है ते मिट्टी विच मिला दित्ती जावेंगी। कहन लगे उनके संग तेरा मान महत उनके संग तुम साक जगत जिन्ना संसार दे नाल तेरा साक रिश्ता है उस जोत करके है। जिस दिन अंदरों जोत चली गई तेरा संसार नालों रिश्ता टूट जाएगा। सतगुरु कहंदे ने बाणी विच उनके संग तेरा मान महत उनके संग तुम साक जगत उनके संग तेरी सब विद थाटी जड़ी सारी तेरी अंदर दी बनतर है जिस दे सहारे तू बोल सकनी देख सकनी कुछ कर सकनी वो सारी विधि जड़ी बनी हुई है वो उस जोत दे अंदर होन करके है। जिस दिन वो जोत चली गई तू तो मिट्टी है। गुरबाणी का आखिरी लाइन है कहन लगे उनके संग तेरी सब विद थाटी उस बिना तू होया है माटी उनके तो बिना तू मिट्टी है तेन किसी ने संभालना नहीं। कहन लगे इसलिए जदों जोत चली जावे गुरु ने भी आख्या जो मृतक को चंदन चढ़ावे उसते को कमने फल पावे जो मृतक का बिस्तरा मार लाई ता मृतक का क्या घट जाई। तू काया गुरबाणी है कहन लगे हे काया मैं तेन मुखातब करके एक गल दसना चाहना तू काया मैं रुलदी देखी बिना जोत तो तू काया मैं रुलदी देखी ज्यों धर उपर छारो जिवें धरती ते मिट्टी है उनकी कोई वैल्यू नहीं इसे तरह उस मिट्टी द्वारा तू भी मिट्टी है तेरी कोई वैल्यू नहीं जिन्नी वैल्यू है वह तो है जोत दी ते जोत है ज्योति विच्चों आई हुई जीवनों मैं जीवन पाया। सतगुरु ने बाणी विच एक गल आखी कहन लगे तू काया मैं रुलदी देखी ज्यो धर उपर छारो इसलिए हे काया मैं तैनू एक गल याद कराना चाहना कि तू मिट्टी है तू बनी है ते आखिर मिट्टी हो जाना है। एक गल तू कदी भुले ना तो कदी निरी काया ते अपनी जिंदगी सारी सारी ना निभा देवे। अज असी देखने असी जो कुछ भी कर रहे हैं केवल काया ले कपड़े काया ले भोजन काया ले घर काया ले कारां काया ले हवाई जहाज काया ले सब कुछ मन नू जोत नू तो लोड़ ही नहीं इन्हां चीजां दी। इहदा मतलब संसार का जिन्ना आडंबर है वह सारा
ਕਾਇਆ ਰਲੀ ਕਾਇਆ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦਿਮ ਸਿਚਾਰ ਕੋ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦਾ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਉਸਾਰੇ ਦੇ ਵੀ ਗਏ ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਗੋਰੀ ਆਏ ਪਏ ਆਖਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ ਗੋਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਿਧਤਰ ਥਾਟੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਲਈ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਲਈ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚਿਖਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।